दोस्तों आज हम लोग टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, उस टेक्निक को हम लोग लॉकिंग के बारे में समझाने वाले थे सभी को। लॉकिंग में किस तरह से बेंडिंग करते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आपके साथ में यहाँ पे दो जन है, कमान यहाँ पे आ जाओ। अलग अलग तरीके से लॉकिंग समझाने वाले हैं कि आपको लॉक करने के बाद आप कैसे उसको रिमूव करते हैं। जैसे बैक साइड हुआ, फ्रंट साइड हुआ, अगर लॉकिंग यहाँ पे है पहला वाला लॉकिंग, तो हम लोगों ने बोला था यहाँ पे हम लोग उसको रिमूव करना सिखाने वाले हैं। तो आज आपको ये रिमूव करना सिखाने वाले हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं। नहीं करना है सिंपल, ये बॉडी को हल्का से ये हैंड को ऐसे टर्न कर लेना है, तो यहाँ पे उसको लॉक कर सकते हो। कर लिया और कैच करने के बाद ये यहाँ पे प्रेशर पॉइंट लिया, यहाँ पे वन यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, या फिर यहाँ पे दे सकते हो, या फिर सामने वाले को यहाँ पे गर्दन में प्रेशर पॉइंट है। आपको पता है कि प्रेशर पॉइंट यहाँ पे गर्दन। कर लिया और कैच करने के बाद ये यहाँ पे प्रेशर पॉइंट लिया, यहाँ पे वन यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, या फिर यहाँ पे दे सकते हो, या फिर सामने वाले को यहाँ पे गर्दन में प्रेशर पॉइंट है। आपको पता है कि प्रेशर पॉइंट यहाँ पे गर्दन लॉक हो गया, यहाँ पे नीचे दे सकते हो, ये लॉक हो गया। मतलब प्रेशर पॉइंट भी बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारी जगह पे आप लोग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब सेल्फ डिफेंस सीखते हो तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी सेल्फ डिफेंस के लिए तो यहाँ पे उसको लॉक कर सकते हो।
Oh.